हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, HTML का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है यहाँ पे, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है आपको AKHD सॉल्यूशन से। तो दोस्तों, अगर आपने AKHD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है और आप फर्स्टली वीडियो देख पाओगे। और दोस्तों, हमारा ट्यूटोरियल जो अभी चल रहा है वो चल रहा है HTML का, जिससे कि काफ़ी वीडियो हम यहाँ पे देख चुके हैं। अगर हम जाते हैं अपने ट्यूटोरियल पे तो देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 वीडियोस आ गए, यहाँ पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। और दोस्तों, लास्ट जो कल मंडे को वीडियो आनी थी वो किसी वजह से नहीं आ पाई, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम थी इस वजह से नहीं आ पाई, बट अभी कंटिन्यू वीडियो यहाँ पे चलेंगी। तो काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ। लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने टेबल का प्रोजेक्ट देखा था। तो वो क्या प्रोजेक्ट था, कैसे वो दिखता था, पहले मैं आपको VS कोड में दिखाता हूँ। देखो, VS कोड में हमने यहाँ पे उसकी कोडिंग की हुई थी इस तरह से, एंड उसके बाद उसका आउटपुट क्या था, आउटपुट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे आप आओगे, ये इसका आउटपुट था। ऐसे मैंने मल्टीपल आपको बताया था कि आपको टेबल बनानी है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हो, यहाँ से सर्च कर सकते हो HTML टेबल। अगर आप सर्च करोगे और उसके बाद इमेज वाले पार्ट में आओगे तो यहाँ पे काफ़ी टेबल आपको दिख जाएंगी, और यहाँ से आप कोई भी टेबल बना लीजिएगा। आप कोशिश करो, जितना आप कोशिश करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ एक बार मैं फिर कहूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को लाइक करो, एंड ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। तो दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं HTML फॉर्म के बारे में। तो HTML फॉर्म क्या होता है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें और कुछ चीज़ें जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, वो चीज़ें मैं फॉर्म के बारे में बताऊँगा इन डेप्थ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैं अपने यहाँ पे आ गया हूँ। W3 स्कूल का नोट्स हम ओपन करने वाले हैं। देखो, हम W3 स्कूल के नोट्स में आते हैं और फॉर्म होता क्या है। तो देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं एक बार सरकारी रिजल्ट ओपन कर लेता हूँ। वैसे ये हमारी वेबसाइट है खुद की, जो मैंने खुद से बना रखी है, सरकारी रिजल्ट वन। तो देखो, अभी थोड़ा समय ले रही है लोड होने में। ये वाली वेबसाइट हमारी है खुद की, जो मैंने खुद का क्लोन बनाया था। तो अभी फिलहाल मैंने थर्ड पार्टी ऐप होते हैं उनके थ्रू मैंने होस्ट कर रखी सरकारी रिजल्ट 1.netlify। देखो, ये UR अलग है, और मैं अगर आपको एक्चुअल साइट दिखाता हूँ तो देखो, सरकारी रिजल्ट आप यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे सर्च करोगे तो देखो आपको ये अलग मिलेगी। इसका URL देखो आपको अलग मिलेगा, इसका URL है सरकारी रिजल्ट.com। ये वाली साइट आपकी ये है, और जो मैंने खुद से बना रखी है साइट वो ये है। इसको अभी और ज़्यादा अट्रैक्टिव करूँगा। देखो, फिलहाल आपको प्रॉपर वैसी ही दिखेगी जैसे आपकी ओरिजिनल साइट है। तो देखो, ओरिजिनल साइट आपकी ये है, और लास्ट में आके देखो इस तरह से ही आपको दिखेंगे, एंड ऊपर भी इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे। हमारी साइट भी प्रॉपर वर्किंग करती है, इनके में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। देखो, यहाँ पे टेक्सचर नहीं आ रहे, और हमारे में प्रॉपर आपको दिखेगा। तो दोस्तों, आप अगर हमारे AKHD के साथ अगर जुड़े रहोगे तो आपको मैं काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए बताऊंगा। अगर मैं साथ ही साथ दिखाऊँ तो हमारा यहाँ पे एक टू-डू का ऐप भी मैंने यहाँ पे बना रखा है। अगर हम टू-डू लिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा वो ऐप भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी के लिए क्या हुआ, लोड नहीं हो रहा है क्या भाई? हाँ, थोड़ा समय लग रहा है। ये पूरा रिएक्ट बेस्ड बना हुआ है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट था, किसी को मुझे 1-2 घंटे के अंदर प्रोजेक्ट बना के दिखाना था, तब मैंने ये बनाया। इसके अंदर जैसे आप यहाँ पे जावा लिख देते हो, कुछ टाइमिंग दे देते हो, या मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मैंगो भाई, अगर हमको क्या करने हैं, ये खरीदने हैं, और आज टूडे एंड टाइम मैंने लगाया कि मैं भाई इस टाइम पर मैं मैंगो लेना चाहता हूँ, तो मैंने जब मैं इसको ऐड करूँगा तो यहाँ पर मैंगो आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक और दिखाता हूँ प्रोजेक्ट, जो हमारी खुद की वेबसाइट है AKHD सॉल्यूशन की। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो learn.AK.netlify.app के नाम से है जो वेबसाइट आपकी, हमारी कुछ ऐसे दिखती है। ये AKHD सॉल्यूशन की वेबसाइट है। अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाले हैं। यहीं पर आपको जो वीडियो आप यूट्यूब पर देख पा रहे हो वो सब वीडियो यहाँ पर मिलेंगी, और यहीं पर सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया था सेल्फ प्रमोशन। अभी के लिए मैं क्या बता रहा था आपको कि यहाँ पर आना है सरकारी रिजल्ट पे, और आपको करना है क्या, आप किसी भी एक आप आ जाइएगा, जैसे कि कोई भी एक क्लिक कर लो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का आपने क्लिक किया, एंड क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लास्ट में आओगे, यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, सॉरी अप्लाई वाले पे क्लिक करोगे तो कुछ यहाँ पे ओपन होके आएंगे कुछ पेज, ठीक है। अभी के लिए देखो यही आ रहा है, मैं चाह रहा था कि कुछ बड़ा पेज हमको आ जाए, बट अभी के लिए यही आ रहा है इस तरह का पेज, ठीक है। हमें कुछ इस तरह से फॉर्म बनाना है, इसको हम फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये एक तरह से फॉर्म होता है, फॉर्म मतलब यहाँ भी कुछ इनपुट हो गया, यहाँ भी कुछ इनपुट हो गया, अभी और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अभी के लिए आपने यही देखा, एंड साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे HTML के फॉर्म्स मैंने यहाँ पे सर्च करूंगा, एंड उसके बाद मैं आऊँगा इमेज वाले पार्ट में। इमेज वाले पार्ट में आता हूँ तो देखो, यहाँ से आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
इस पे हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं इस तरह का फॉर्म बनता है। फॉर्म बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है किसी भी वेब ऐप में या फिर वेबसाइट में। अब आप कहोगे भैया ये वेब ऐप और वेबसाइट क्या है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे फॉलो करते रहोगे हमारी वीडियो तो आपको पता लगता रहेगा कि वेबसाइट में और वेब ऐप में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, वेबसाइट वो होती है जो स्टैटिक होती है, जहाँ पे सिर्फ रीड ओनली बोल सकते हैं एक तरह से, ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती। बट अगर हम वेब ऐप की बात करें तो वो डायनेमिक होता है और उसके अंदर डेटा इनपुट जाता है, आउटपुट आता है। बेसिकली आप इतना ही समझो, ज्यादा मैं आपको जब समझाऊंगा जब मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा। तो जैसे फेसबुक वगैरह की जब आप ऑनलाइन चलाते हैं तो वो वेब ऐप होता है, और अगर आप नॉर्मल स्टडी करने वाली कोई चीज़ें जहाँ ब्लॉग पढ़ते हो वो वेबसाइट होती है। और चीज़ें मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों इस तरह का हमको फॉर्म बनाना है। देखो जैसे ये है, अब मैं ये आपको बताऊंगा बनता कैसे है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे आप जाओ, अगर आपको कुछ परचेज करना है या फिर आपको कुछ बैकएंड ऐड, सॉरी बैकएंड नहीं, गलत बोल दिया मैंने, अगर आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है या कुछ भी चीज़ें, तो वो बैक आप इसके इनपुट के थ्रू ही कर सकते हो, जो आपका फॉर्म कहलाता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाऊंगा। इसमें देखो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो बिल्कुल प्रैक्टिस पे आएगी, जिसके अंदर मैं 5 से 6 आपको बनवाऊंगा और आपके लिए होमवर्क दूंगा। फिलहाल आज हम इस ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारा फॉर्म होता है क्या। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको भाई चलो अभी रहने देते हैं ओपन ही, एंड यहाँ पे आते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, थ्योरी वगैरह आप खुद पढ़ लेना भाई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा थ्योरी। तो देखो यहाँ पे इस तरह का फॉर्म बनाना है, सबसे पहले आपको देखना है यूज इनपुट। इन्होंने लिखा है यहाँ पे NHTML फॉर्म इज यूज टू, यहाँ पे कलेक्ट यूजर इनपुट, मतलब यूजर का इनपुट लेने के लिए हमें क्या ये यूज करना पड़ता है। कैसे हम यूज करते हैं, देखो ट्राई पे जाओ, ट्राई इट योर सेल्फ, यहाँ पे किया, आउटपुट दिख रहा था अभी आपको, अब यहाँ पे इनपुट भी मिलेगा। तो देखो ये आप पढ़ चुके हो, H2 आप देख रहे हो, सबसे पहले आप स्टार्टिंग से देखो HTML, हाँ भाई ये तो हमने देखा देखा लग रहा है, हमने यूज किया था, तो ठीक है शायद आप समझ भी गए होगे। बॉडी ये भी यार देखी देखी लग रही, ये भी यूज कर लिया। उसके बाद H2, अरे भाई ये तो बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद यहाँ तक आपने सब कुछ देखा है, अब नीचे आओगे फॉर्म, भाई ये क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, लेवल क्या है, इनपुट क्या है, ये लेवल क्या है, ये चीजें भाई ये तो ऊपर से जा रही, ये नहीं समझ में आ रही। नीचे पी, ये तो मैंने देख रखा है, पैराग्राफ टैग होता है। तो दोस्तों आज आपको सिर्फ ये वाला पार्ट बताऊंगा, सब आपने देखा हुआ है, अब यही पार्ट मैं आपको बताऊंगा देखो होता क्या है। तो या तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समझ लो, या फिर मैं इसको अपने टेक्स्ट एडिटर पे समझाऊंगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट क्या रहेगा कि मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे समझाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ बस देखो कुछ सिंटैक्स इस तरह का होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है, भाई हमें ऐसा बनाना है, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे ऐसा आउटपुट आएगा। तो वही चीज़ मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर बताऊंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम चलेंगे VS कोड पे, यहाँ पे हमारा जो ये पड़ा था इसको हम भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ से नई फाइल बनाएंगे, यहाँ पे हम बना देंगे forms.html html, भाई साहब स्पेलिंग गलत होगी तो अपने आप देख लेना। यहाँ से फर्स्टली मैं इसको क्या करूँगा, गो लाइव, तो मैं यहाँ जाता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ से कर देता हूँ, एंड ये वाला जो मेरा था इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कैंसिल, ये आ गया, इसमें कुछ नहीं आ रहा भाई। अभी देखो यहाँ पे आप इस तरह से एक्सक्लेमेटरी जो भी है यार, ये इस पर अगर क्लिक करते हो तो भी आपका ये आ जाएगा, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे HTML लिखते हो, HTML5 पे क्लिक करते हो तो भी आपका ये आ जाएगा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर लो। तो दोस्तों ये जो व्यू पोर्ट वाले थे ये मैंने नहीं बताए थे, ऑलमोस्ट आपकी HTML है ना आप लास्ट मोमेंट पे चल रही है, 80% क्लियर है, तो बस अब आने वाले कुछ वीडियोस ना इन्हीं पे डिपेंडेंट होंगी मेटा टैग पे। तो फिलहाल HTML तो हम कर लेते हैं, ठीक है। HTML में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने, अभी आज आज का जो HTML गलत बोल दिया यार, फिलहाल आज हम फॉर्म करेंगे, फॉर्म में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हो आज, ठीक है। अब देखो फिलहाल हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या लिखना है, H1 टैग, और इसके अंदर लिखना दिस इज HTML या फॉर्म, भाई जो भी होगी स्पेलिंग यही होगी। अब आप यहाँ पे जाते हो, अरे क्या हुआ यार चल क्यों नहीं रहा तू, ये आउटो रिफ्रेश नहीं हुआ, तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है HTML फॉर्म आ गया। अब दोस्तों सेकंड हमें क्या करना है, हमें तो देखना है भाई फॉर्म के बारे में, तो ठीक है भाई सबसे पहले आपको फॉर्म से समझ क्या आ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि HTML क्या होती है, लेबलिंग करने के काम आती है। लेबलिंग का मतलब जैसे आप हेडिंग, आपने देखा कि भाई मेरे को आज नोट्स बनाने, लेक्चर चल रहा है मेरा, मेरे को नोट्स बनाने हैं, और नोट्स का कोई टॉपिक है, मतलब लेक्चर का कोई टॉपिक है, नोट्स का नहीं लेक्चर का कोई टॉपिक है कि भाई आज हम पढ़ रहे हैं CPU प्रोसेसिंग, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट पे जो आपके नोट्स हैं उन पर CPU प्रोसेसिंग लिखोगे ना, उसके अंदर सब टॉपिक लिखोगे, इस तरह से लिखोगे। तो ध्यान से देखो कि कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि हेडिंग को हेडिंग ही बोल रहे हैं, वहाँ पे CPU प्रोसेसिंग जो है वो हेडिंग है, तो यहाँ पे भी हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। उसके बाद जहाँ आप नीचे उसकी डिटेल लिखोगे उसको पैराग्राफ बोल देते हैं। तो जब आपके लिए फॉर्म आया तो यहाँ पे फॉर्म को भी फॉर्म ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप इस तरह से फॉर्म लिखते हो तो देखो फॉर्म बन गया। अब ये एक्शन क्या है, एक्शन भैया अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हम, ठीक है इसे हटा दो यहाँ से, ठीक है भाई अब फॉर्म बन गया। जिस तरह से आपका टेबल था उस तरह से फॉर्म बन गया। तो टेबल से याद आया किस तरह का टैग है, ये कंटेनर टैग है,
कंटेनर टैग मतलब जहां पे हम अपना पूरा डेटा बाइंड कर देंगे, वो एक तरह का कंटेनर टैग है फॉर्म हमारा। ठीक है भाई, हमने फॉर्म बना दिया, क्या कोई यूजर पे यहाँ पे कुछ इफेक्ट हुआ? नहीं भाई, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि कंटेनर टैग जो भी होते हैं वो कभी भी यूजर पे, जो आपका यूआई है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। बट वो क्या करते हैं, वो एक बॉक्स दे देंगे कि भाई अब इस बॉक्स के अंदर भरे जाओ चीजें। ठीक है, अब कहीं पे भी अगर आपको उठानी है, वो सब चीजें उठा के लेके जानी है, तो इस बॉक्स को ही ले जाना आप पूरा, या फिर कोई चीजें यूज करनी इस बॉक्स पे कर लेना। एक तरह का ऐसा कंटेनर होता है जो स्ट्रक्चर देता है। फॉर्म आपने यूज कर दिया, फॉर्म के अंदर देखो ध्यान से देखना, अब मैं तुमको चीजें बता रहा हूँ क्या क्या यूज होंगी। सबसे पहले हम यूज करते हैं लेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लेबल अगर हम यूज करते हैं इस तरह से, लेबल हमारा यूज हो गया। लेबल के अंदर हमने पहले क्या लिख दिया, साइन अप फॉर्म में क्या होता है, यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम तो ये लिख दिया। अब मैं चलता हूँ भाई, मेरा क्या आया, यूजर नेम आ गया। ठीक है, लेबल में यूजर नेम आ गया। अच्छा, आप क्या हो गए भैया, ये काम तो हम पैराग्राफ से भी कर सकते थे। तो भैया इस तरह से हम कर देंगे, यहाँ पे हम दे देंगे पैराग्राफ, मान लो मैंने यहाँ पे पी दे दिया और यहाँ पे ही मैं पी दे देता हूँ, ये तो तुमने यार हमारा पागल बना दिया। देखो दोनों के अंदर सेम ही आ रहा है, तो बताऊंगा भाई डिफरेंस पूरा बताऊंगा। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ क्यों नहीं यूज करते, तो देखो फिलहाल इसके लिए पहले आप नेस्ट टैग पढ़ो। नेस्ट टैग क्या होता है, हमारा इनपुट, एंटर हिट करो, इनपुट के अंदर एंटर हिट करो, बाई डिफॉल्ट टेक्स्ट आ गया। ठीक है, क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, इनपुट लिखता हूँ डायरेक्टली जो हमारा वीएस कोड है वो हमें काफी सारी चीजें देता है। इनपुट बी के साथ यूज कर लो, इनपुट बीटीएन के साथ यूज कर लो, इनपुट बटन के साथ यूज कर लो, सी के साथ यूज कर लो, चेकबुक के साथ यूज कर लो, कलर के साथ यूज कर लो, डेट के साथ, डेट टाइम। भाई ये है क्या, अब ये देखोगे भैया ये है क्या, तो भाई ये है जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर इन सॉरी टाइप के अंदर मैंने टेक्स्ट दिया था, वो वाले पार्ट है। अब इनसे होता क्या है, देखो आपने यहाँ पे लिख दिया, अब आप फिलहाल के लिए इतना ही रहने दो, डायरेक्टली चलते हैं क्या इफेक्ट पड़ा इसका। तो देखो भाई एक बॉक्स बन के आ गया, एक कुछ बॉक्स जैसा बन के आ गया। यही बॉक्स तो हम देखना चाह रहे थे, कहाँ देखना चाह रहे थे, यहाँ देखना चाह रहे थे। देखो बॉक्स सा बन के आ गया कुछ, हाँ भाई बॉक्स सा बन के आ गया, ये भी आ गया, हाँ भाई ये भी आ गया। तो दोनों चीजें हम कहीं ना कहीं हम काफी कुछ देख चुके हैं इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर आप लिखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंकित कुमार, तो देखो हम लिख भी पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो इस तरह से दो चीजें आपको मैन सीखनी है, लेबल और इनपुट। यहाँ पे लेबल से क्या होता है, लेबल से वो नाम देने के काम आते हैं कि भाई यूजर को पता तो लगे कि ये चीज डालनी है, और इनपुट का काम होता है कि वो चीज एक्सेप्ट करना, किस तरह से इनपुट लेगा। दो चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तीसरी चीज अब मैं आपको क्या बताता हूँ, यहाँ आपने आईडी यूज कर ली, ठीक है। अच्छा, उससे पहले भी आप ऐसा करो, देखो आप यूजर पे क्लिक करो, कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। आपने देखा होगा कितने फॉर्म ऐसे होते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करो डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाते हो, वो वाला काम करते हैं भाई हम लेबल के थ्रू। अब आया ना समझ में आपको लेबल और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है? फिलहाल मैं ये एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ, और भी है, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे आईडी दे दो, देखो आपने आईडी दे दी, आईडी के अंदर भाई मैंने आईडी दे दी थी, जहाँ पे मैं दे रहा हूँ यूजर नेम, भाई यहाँ यूजर नेम को मैंने यू कर दिया, इस तरह से कर दिया। अब अभी क्या हुआ होगा भैया, यहाँ पे क्लिक करो, अभी भी कुछ नहीं हुआ होगा। मैंने आपको आईडी का शायद नहीं बताया होगा, या बताया होगा मुझे ध्यान नहीं है, बट मैं बता देता हूँ, आईडी का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। साथ ही साथ में एक क्लास भी होती है भैया, यहाँ पे आप क्लास भी यूज करते हो। क्लास का मतलब होता है कि किसी एक क्लास में, जैसे आप समझ सकते हो जैसे कि एक ग्रुप है, मतलब एक जैसे आप स्टूडेंट फेस में हो अभी, तो आपकी जो क्लास है उसमें मल्टीपल स्टूडेंट है, तो वहाँ पे अंकित अंकित नाम के 10 हो सकते हैं भाई, मोहन मोहन नाम के 20 हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, हो सकते हैं, सबके पेरेंट ने अपने हिसाब से नाम रख दिया। बट वहाँ पे जो आपके रोल नंबर होंगे वो सबके एक नहीं होंगे, वो अलग होगा हर किसी का, चाहे वो सोहन सोहन ही हो, चाहे वो मोहन मोहन ही हो, चाहे वो कोई भी हो यार, ठीक है, लड़की भी हो सकती है कोई, तो वो सब चीजें। तो आईडी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन यूनिक। क्लास क्या होती है, एक जैसे 10-12 हो सकते हैं भाई, क्लास के अंदर 2-4-5 कितने भी हो सकते हैं। तो ये चीजें आप सीएसएस के पार्ट में अच्छे से पढ़ोगे, तो इस चीज को फिलहाल आप छोड़ो, या फिर आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो फिलहाल आपने क्लास यहाँ से हटा दी, अब आईडी हम यूज क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। देखो इनके थ्रू हम टैग कर सकते हैं, एचटीएमएल कहती है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दो, जैसे हमारे पास टीचर के पास होता है, तो टीचर मेरे से कहे, हमसे हम मान लो एक क्लास में हम चार अंकित हैं, टीचर बोल रहा है अंकित, तो हम चारों बोलेंगे यस सर यस सर यस सर, भाई क्या पता उसे, वो बोलेगा भाई वो बंदा जिसका रोल नंबर 7 है वो आ जाओ मेरे पास, तो भाई वही उठ के जाएगा पर्टिकुलर जिसका 7 है। तो ऐसी आईडी होती है, ठीक है। मुझे पता है मैं फॉर्म पढ़ाने आ रहा था और मैंने आईडी बता दी आपको, चलो अच्छी बात है, डबल चीज आपको बता दें। अभी आईडी से क्या हुआ, यहाँ क्लिक कर रहे हो कोई फायदा मिला, नहीं भाई कोई फायदा नहीं मिला। अभी अब यहाँ पे जाओ, इसके अंदर एक होता है फोर एट्रीब्यूट, फोर मैंने यूज किया, फोर का मतलब इनमें क्या होता है, लिए है ना, ठीक है, किसके लिए यूज हो रहा है ये, और यहाँ पे यूजर नेम डाल दो। अब आप यूजर नेम डालते हो, अब आप यहाँ क्लिक करो, क्या कर पा रहे हो गया ना मैजिक, क्यों भाई साहब हो गया ना मैजिक, देखो यहाँ क्लिक करा, कर पा रहे हो,
फोर हटाओ, जब तक फोर नहीं था यहाँ पे तब तक कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। अब आप लो यहाँ पे क्लिक करो, क्या कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। दोबारा जाओ यहाँ पे क्लिक करो, आप कर पाओगे। यहाँ क्लिक करा, देखो अंदर क्लिक कर लिया। तो ये है फोर का मैजिक, ठीक है। आईडी मतलब उसने बता दिया कि भाई ये लेवल बना किसके लिए है, इसके लिए। तो देखो दो चीज क्लियर हो गई। देखो ध्यान से लेक्चर लो, नहीं समझ में आ रहा रिपीट करके देख लेना। अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाने की, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है, क्यों होगा भाई, फॉर्म टैग छोटा मोटा नहीं है। फॉर्म टैग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कवर भी नहीं होती नॉर्मल बंदों से तो। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं चीजें थोड़ी कवर करूंगा, मगर ऐसे कवर करूंगा कि और जो इसकी चीजें बची हुई है वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मेन चीज होती है कि एक स्ट्रक्चर समझना, किस तरह से चलना है, ठीक है। ये दो चीजें हो गई आपके पास, ठीक है भाई, ये हो गई। उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, देखो एक एट्रीब्यूट और होता है दोस्तों, यहाँ पे आप नेम लिख सकते हो। नेम के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया, अब आप क्या हो गए भैया, ये तो सेम सेम हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेम कब यूज होता है, जब आप बैकएंड पढ़ोगे ना, इसका बैकएंड पढ़ोगे, पीएचपी से पढ़ लो या फिर मोंगोस से पढ़ लो, किसी पढ़ लो, तो उस टाइम पे भाई ये वाला नेम काम आता है, ठीक है। ये जाता है, ये कोरस्पॉन्डिंग डेटा जाता है कि नेम जहाँ पे यूजर नेम था वहां पे इसका डेटा जो इनपुट लिया है हमने वो वाला आ जाए, ठीक है। इस तरह से ज्यादा है, तो नेम पे भी ज्यादा फोकस मत दो, जब बैकएंड पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगी चीजें। अच्छा यहाँ पे जो शुरू में एक्शन आया था ना, कहाँ पे आया था भाई, यहाँ पे, वो एक्शन भी, वो जो एक्शन आया था वो भी किस लिए यूज होता है, बैकएंड के लिए, कि किस फॉर्मेट में डेटा भेजना है, ठीक है। जैसे कि जैसे यहाँ पे अगर आप W3 पाओगे, देखो यहाँ पे कोई डेटा आ रहा है, यहाँ पे फाइल नेम इक्वल टू ट्राई HTML, इस तरह से ये वाला डेटा जो बैकएंड में जा रहा है वो इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब ये सीधा सीधा भेजना है या फिर यहाँ कोड में इनबिल्ड करके भेजना है, मतलब डिकोड करने वाली चीजें जो होती हैं, इनकोड, सॉरी डिकोड नहीं, इनकोड वाली वो चीजें, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आ जाओ, ये आपका हो गया। एंड आपके पास सेकंड में क्या लेना है भाई, इसी को कॉपी कर लूँ क्या, अब तो यार समझ में आ गया, अब तो कर सकता हूँ। देखो शिफ्ट अल्ट और नीचे लेके आऊंगा मैं इसको, नीचे वाला बटन जो भी है, तो यही हो जाएगा। अब देखो भाई मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्या है, ओके WRD, मैंने पासवर्ड यहाँ पे ही पासवर्ड क्या है, ये हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, आप एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, पहले आप इस पे आओ, कहाँ थे भाई, हम यहाँ पे थे, इसको हम काट देते हैं, यहाँ पे थे। अब देखो ध्यान से देखना, अभी कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना है भाई। इन्होंने कुछ दिया है कि नहीं, दिया है कि नहीं, फॉर्म एट्रीब्यूट, तो मे बी मैं दिखाना जो चाह रहा हूँ वो चीज मिल जाए। हाँ देखो दोस्तों, अब यहाँ पे इन्होंने यार क्या है ये, टाइप इन टाइप, इनपुट टाइप के अंदर लाना है मेरे को आपको बेसिकली मैं। हाँ देखो अब दोस्तों आप आ गए, अब जैसे मैंने वहां पे इनपुट में टेक्स्ट दिया था, तो क्या यहाँ पे टेक्स्ट है कहीं, हाँ भैया ये है टेक्स्ट, देखो ये है टेक्स्ट। कहाँ पे आए आप, यहाँ पे आए HTML इनपुट टाइप में, ठीक है। एट्रीब्यूट कितने टाइप के होते हैं वो यहाँ से देख सकते हो आप, इनपुट के जैसे और भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो चीज आपको यहाँ से देख सकते हो। देखना चाहो अगर आप यहाँ पे इस तरह से आओ, देखो एट्रीब्यूट वाले पार्ट में, तो एट्रीब्यूट वाले पार्ट में आपको दिख जाएगा, जैसे फोर यहाँ पे टाइप दे दिया मैंने, ठीक है, इस तरह से डिसेबल है, एक डिसेबल है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो लास्ट में अगर इन्होंने दिया भी होगा, मे भी शुरू में देना चाहिए था, तो वो चीजें चलो बाद में बताऊंगा। बट यहाँ पे रीड ओनली का मतलब एडिट नहीं कर सकते तुम उसे, ठीक है, राइट नहीं कर सकते, रीड ओनली रखोगे, डिसेबल डिसेबल वाला, ये सब चीजें बात की हैं। फिलहाल आप इनपुट में आ जाओ, तो इनपुट वाले एट्रीब्यूट में आप इतनी सारी चीजें दे सकते हो। देखो आप, मैं कहाँ था, टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट मैंने दिया था तो क्या आ रहा था, जब मैंने टेक्स्ट दिया था तो बॉक्स बन के आ रहा था, इसके अंदर हम टेक्स्ट दे सकते थे। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, यूजर नेम के साथ साथ पासवर्ड आ जाए, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पासवर्ड एट्रीब्यूट है, मैं क्या करूंगा भैया, इसको उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करके भैया वहीं ले जाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लो ये मैं काट दे रहा हूँ यहाँ से, सॉरी ये नहीं, टेक्स्ट वाला, ये यहाँ से मैं पास यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है भैया, यहाँ पेस्ट कर दिया। हुआ क्या, यहाँ से पेस्ट करके कोई फायदा हुआ क्या, यहाँ भी मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, तो यहाँ भी मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। तो अभी हुआ क्या, यहाँ से ध्यान से जाओ, इसके ऊपर आओ। अभी तुम्हें पता है ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, इनको अलग अलग क्यों करना है, अगर एक लाइन में आ रहे हैं तो उसका मतलब समझ रहे हो किस टाइप के हैं, ब्लॉक लेवल, सॉरी गलत बोल गया ना, इन लाइन वाले हैं ये, ब्लॉक लेवल का मतलब नीचे आएंगे, ठीक है। तो इन लाइन है, कैसे इसको तुम कर सकते हो ब्लॉक लेवल में, वो चीजें CSS में बताएंगे, अदरवाइज तुम्हें पता भी होगा, ठीक है। तो ये किस टाइप के, इन लाइन है, ये फिलहाल चीजों को ऐसे ही समझो कि किस टाइप के हैं। तो नीचे क्या करेंगे हम, यहाँ पे BR लिखते हैं इस तरह से, लो अब नीचे आ गया होगा नेक्स्ट लाइन के लिए ये, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा। अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आप क्या देख रहे हो, पासवर्ड वाला चलना था अभी, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो टेक्स्ट, मान लो मैंने यूजर नेम यहाँ पे डाल दिया, ओके gmail.com, मैंने इस तरह डाल दिया पासवर्ड के अंदर, भाई देखो हो गया ना ये वाला। अब आ रहे हैं ना डॉट 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 डॉट, ऊपर वाले में तो क्या आ रहा था, ऊपर वाले में तो यार पूरा
दिख रहा था हमको विजिबल था, नीचे वाले में विजिबल ही नहीं है। तो देखो ये होती है पासवर्ड की पावर कि ये अनविजिबल, मतलब एक दूसरे जो जो हमारे क्या होते हैं यार, इनको क्या बोलते हैं, अरे प्लस माइनस या ये डॉट डॉट इस तरह के इनके जो होते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है, ये देखो अब हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, स्टार भी कर सकते हैं और चीजें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर मैं इसको टेक्स्ट ही कर देता हूँ, अगर मैंने इसको टेक्स्ट ही कर दिया तो देखो मैं इस पर जब क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा टेस्ट आ गया। अगर मैं इसको पासवर्ड कर देता हूँ तो देखो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा यहाँ पे क्या इस तरह से आ गया। ठीक है, इस तरह से ही आ गया। तो दोस्तों अब आपने ये देख लिया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बताता हूँ, यहाँ पे इनपुट आओ, इनपुट के अंदर अभी आप टाइप में क्या करो, टाइप के अंदर यहाँ पे सबमिट लिखो। सबमिट आप लिखते हो इस तरह से आपने किया, और वैल्यू देनी पड़ेगी इसकी, वैल्यू दे दी आपने सबमिट, सबमिट आपने वैल्यू दे दी। अब देखो सबमिट का बटन आपको आ गया, ऐसे ही तो होता है। लॉगिन दे दो भाई, तुम लॉगिन करना चाह रहे हो, लॉगिन दे दो। लो लॉगिन दे दिया आपने यहाँ पे, जैसे ही क्लिक करोगे रिफ्रेश होगा पेज। देखो रिफ्रेश हो रहा है, देखो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ मैंने कुछ भी रैंडम डाल दिया, यहाँ रैंडम डाल दिया, लॉगिन करता हूँ डेटा हट गया, रिफ्रेश हो रहा है ना, वही वाला काम जो लॉगिन करते हो वो वाला काम हो गया। अब ये चीजें आपके सामने आ गई हैं। ठीक है, लॉगिन मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम चलते हैं, कहाँ पे थे भाई, हम यहाँ पे थे हम। तो देखो इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने भाई आपको टेक्स्ट बता दिया, ठीक है, मैंने आपको पासवर्ड बता दिया, कहाँ गया भाई पासवर्ड, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, सबमिट भी मैंने आपको बता दिया, सबमिट, सबमिट वाले पार्ट में लॉगिन होता है, ठीक है, ये वाला सबमिट मैंने बता दिया। सर्च वाले में ये वाला सर्चिंग कहाँ गया भाई, यहाँ कोई सर्चिंग है क्या, अरे यार तू क्यों है, यहाँ कोई सर्चिंग है क्या, यहाँ भी ये सर्चिंग, ये वाले सर्चिंग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये वाली सर्चिंग हो गया, आइकन लगा रखा है उन्होंने। उसके बाद अभी आप में क्या देखोगे इसके अंदर, यहाँ पे अभी जैसे तुम्हें ईमेल इनपुट लेनी है, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो आप, ईमेल को इनपुट ले सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे बी आर यूज कर, ठीक है, अगर आपको ईमेल इनपुट लेनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ईमेल, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ईमेल आपने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे भी, ये भी यहाँ पे भी। अब दोस्तों ये ईमेल वाला पार्ट कैसा दिखेगा आपको, तो भाई ये दिखेगा तो आपको बिल्कुल ऐसा ही, कहाँ यहाँ पे भी ईमेल लिखना था, ये दिखेगा तो आपको सेम वैसा ही, बट इसके अंदर अभी ईमेल आ कैसे, अब हमें कैसे पता लग रहा है चेंजेस है, जब आपका यही यही डेटा, जब आपका एक ऐसी डिवाइस पे खुलेगा जहाँ पे जो उसका कीपैड है वो कहाँ से आता है, वो आता है डिस्प्ले से, तो वहां पे जो कीपैड का फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट ईमेल वाले टाइप में आएगा। पहली चीज, ईमेल वाला टाइप कैसा होता है, सारे स्मॉल लेटर खुलेंगे, कैपिटल एक भी नहीं खुलेगा। आपने देखा होगा जब आप कभी कभी फॉर्म भरते हो तो उसके अंदर ईमेल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पे टेक्स्ट चेंज हो जाता है उसका, ठीक है, वो वाली चीजें। अब आप यहाँ पे जैसे आपको भाई ये पूछना है, ठीक है भाई तेरा ईमेल तो हो गया, अब तो हमें ये बता दे कि भाई तेरी एज क्या है, भाई एज क्या है ये बता दे, तो यहाँ पे एज, ठीक है, ओके, एज मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा, यहाँ पे भी एज, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ले ले भाई नंबर, यहाँ पे नंबर ले लिया, यहाँ पे भी एज, और उसके बाद यहाँ पे इसे हटाओ भाई, यहाँ पे भी एज। अब आप जाके देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिख जाएगा। अब देखो जैसे ही इसके ऊपर आप जा रहे हो तो यहाँ पे एक कर्जर आ रहा है, इस तरह से ये कर्जर आ रहा है, 1 2 3 करने का, ले भाई इस तरह से कर लो। अब ये तो देखो माइनस में भी जाएगा, माइनस में भी जा रहा है, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है कि रेस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं, जाके देखो और लगाओ इसके ऊपर। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, जैसे आपने लॉग इन वाला पेज लगाया ऐसे ही रीसेट वाला भी होता है, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, रीसेट, ठीक है, तो यहाँ पे रीसेट हम कर सकते हैं इसको, रीसेट वाला पेज भी होता है। वो कैसा होता है, तुमने देखा होगा कभी कभी इन दोनों के अंदर एक लॉगिन का आता है, एक रीसेट है, रीसेट से पूरा डेटा खत्म हो जाता है, काम दोनों सेम नहीं होता, यूआई पे ऐसा लगता है कि दोनों सेम हो रहा है बट काम अलग अलग होता है, लॉगिन से डेटा चला जाता है, ठीक है, और रीसेट से डेटा जाता नहीं है, यहाँ से पूरा खत्म हो जाता है डेटा, तो ये वाली चीजें हो गई। अब दोस्तों इसके अंदर आपने क्या क्या देख लिया, देखो रीसेट आपने देख लिया, ठीक है, ये सब चीजें देख ली। अब बटन, मैंने बटन आपको नहीं बताया था, लो चलो बटन ही बता देता हूँ। बटन का मतलब यहाँ पे आप जाते हो और यहाँ पे बटन, ओके, बी यू डन, बटन, और बटन क्या है आपके पास, यहाँ पे बटन एक आपके पास है सेव का, ठीक है, सेव कर दिया, तो देखो आप यहाँ पे आओ, बटन आपको ऐसे दिखेगा। देखो तीनों चीजें सेम है, लॉगिन चीजें देखने में सेम है यूआई पे, मगर इनके जो बैकएंड के प्रोसेस है वो अलग अलग है। लॉगिन करोगे तो फॉर्म का सारा डेटा चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, जहां आप भेजना चाह रहे हो। अगर रीसेट करोगे, देखो रीसेट अगर आप करते हो
तो इसका मतलब क्या है कि डेटा आप सिर्फ यहाँ से रिमूव कर रहे हो, तो दोबारा ऐड करना है। अगर आप सेव करते हो, सेव का मतलब ये होता है कि भाई हमने चीजें सेव करके रख ली अपने पास, एक बंडल बना रहे हैं, लास्ट में हम डेटा भेज देंगे, वो चीज। एक ये बटन है, जरूरी नहीं है सेव ही आप कर रहे हो, कुछ और भी कर सकते हो, यहाँ क्लिक भी करा सकते हो, चेक भी करा सकते हो, वो सब चीजें इस तरह से। दोस्तों ये चीजें आपके पास हो गई, उसके लिए अभी आप यहाँ पे दोबारा आते हैं, और अभी इसके अंदर देखो मैंने बटन बताया चेकबॉक्स, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। डेट आपको लगानी है, अगर आपको लगानी है इस तरह से यहाँ पे डेट, तो इसको आप यहाँ पे जाओ और यहाँ से ठीक है, आप कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से जाओ कॉपी करो और भाई यहाँ से पेस्ट कर। अब आप यहाँ के देना है आपको डेट, ठीक है, डेट आपने दे दी। फिलहाल ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ नेम वेम, तो आप जाके देखो आपके पास क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो यहाँ इस तरह का फॉर्मेट आ गया, ऐसे ही आता है ना भाई जब फॉर्म भरते हो, डेट आ गई, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ देना है, देखो आप यहाँ से नीचे आओ इसके अंदर, ठीक है, इसको एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप टाइम टाइम भी दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से ही आप इसको नीचे लेके आओ, अब यहाँ पे अभी आप क्या दोगे, मंथ भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप नीचे लाओगे यहाँ पे वीक, वीक भी दे सकते हो। तो ये चीज है, देखो यहाँ से आप जाओगे तो डेट आएगी पूरी, ठीक है, और यहाँ से आप जाओगे टाइम आएगा, अभी का टाइम सिलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से पूरा देखो कि किस तरह से आ रहा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, पूरा मंथ आ रहा है, कौन से सन का है वो भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे वीक वूक पूरा आ जाएगा, इस तरह से डेटा आता है। तो इस तरह से आप ले सकते हो इसको। तो अभी आप मैंने आपको ये चीजें कवर कर दी, एंड सेकेंड आपने देखो यहाँ देखा है, यहाँ पे डेट टाइम लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, इसको उठाओ आप कॉपी करो, देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं, करके देखनी चाहिए यार चीजें, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे आप इसको पेस्ट करो, देखते हैं लास्ट वाले में हमारा क्या हुआ होगा। तो भाई देखो यहाँ पे इस तरह से हुआ, डेट टाइम एक साथ आ गया यहाँ पे, ठीक है, डेट क्या थी टाइम क्या थी, इस तरह से हमारी एक साथ आ जाएगी, ठीक। अगर हम दूसरा देखते हैं, हमारा क्या था, ईमेल, मैंने आपको बता दिया ईमेल में डेटा जाएगा। फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब जैसे आप कभी कभी आपने कोई फॉर्म फिलअप करा होगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या आया होगा कि भाई अपनी इमेज अपलोड कर दो, ठीक है, उस तरह से। तो मैंने यहाँ फाइल लिखूंगा तो देखो मेरे पास आइकन आ जाएगा इस तरह का बना हुआ, कैसा आ गया भाई, ये वाला आ गया डायरेक्टली, कहाँ मेरी लोकल डिस्क में ले जा रहा है भाई, सेलेक्ट कर दो। मैंने ये अंकित रिज्यूम कर दिया भाई, इस तरह से आ गया, देखो यहाँ पे डेटा आ गया। अब इस पर आप रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो, रेस्ट्रिक्शन जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपको खुद से लगानी है, खुद से सर्च करना है जाके भाई रेस्ट्रिक्शन कैसे लगती है। देखो जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेक्चर का ही बड़ा हो रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम चेक बॉक्स, रेडियो बटन, इस तरह से एज वगैरह देते हैं, किस तरह से मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करते हैं, और इसके अंदर और चीजें क्या कवर करेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको। ईमेल हो गया, फाइल हो गया, हिडन क्या होता है, इमेज क्या होता है, वो सब चीजें, इमेज कैसे ले सकते हैं, ठीक है। मंथ मैंने बता दिया, नंबर मैंने बता दिया, पासवर्ड बता दिया, रेडियो चेक करेंगे, रेंज देखेंगे, रीसेट बता दिया, सर्च बता दिया, सबमिट बता दिया, टेलीफोन नंबर कैसे ले सकते हैं हम उसका, ठीक है, टाइम कैसे वो बता दिया, यूआरएल कैसे लिखते हैं, वीक मैंने आपको बता दिया। अगले जो चैप्टर होगा उसके अंदर चेकबॉक्स में बताऊंगा आपको, तो ये वाला चेकबॉक्स बताऊंगा, ठीक है, कैसे मल्टीपल चेक कर सकते हैं, कैसे रेडियो सिर्फ एक ही चेक होगा मल्टीपल में से, जैसे कि आपको कोई देता है भाई जेंडर है तो तीन देगा वो, तीन में से आप तो एक ही होगे ना, तीनों मिक्स तो नहीं हो सकते, तो वहाँ रेडियो बटन आता है, ठीक है। चेकबॉक्स जहाँ पे आपको ये स्किल सेट करनी है, आपके पास मल्टीपल स्किल हो सकती है, वो हो गया। एक होता है आपके पास, आपने देखा होगा कभी कभी ड्रॉप डाउन वाला खुलता है, ड्रॉप डाउन मतलब आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, नीचे काफी आइकन काफी चीजें खुल जाती हैं, स्क्रॉल करके वहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लो, वो चीज बताऊंगा। तो कल हम ये बताने वाले हैं, और कल मैं ये बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको भाई साहब प्रैक्टिस कराऊंगा, एक लेक्चर पे मैं अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस कराने के बाद हमारा बस एक टॉपिक और बचता है, जो हमारा हेड टैग का है। अगर हम हेड टैग को भी क्लियर कर लेते हैं, एचटीएमएल हमारी क्लियर ज्यादा बड़ी नहीं होती, फिर हम डायरेक्टली सीएसएस पे जंप करेंगे। और दोस्तों ये जो सीरीज आपकी चलने वाली है, ये पूरे मर्न स्टैक की चलने वाली है। फिलहाल मैं एचटीएमएल कवर कर रहा हूँ, फिर सीएसएस, उसके बाद जावास्क्रिप्ट आने वाली है, जावास्क्रिप्ट के तुरंत बाद हम रिएक्ट लाएंगे, उसके बाद हम नोड एक्सप्रेस, और फिर हम यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, हम अपना भाई मोंगो डीबी लेके आएंगे, जिसके अंदर हम मोंगोज वगैरह कवर करेंगे। तो दोस्तों ये मर्न स्टैक होगा, अगर आप इसको देख लोगे तो इसमें मर्न फुल स्टैक आप बन जाओगे अच्छे से। दोस्तों आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, चीजें आपने समझी होंगी। प्रैक्टिस करनी है कहाँ से भैया, ये पढ़े इतने सारे फॉर्म, कुछ भी प्रैक्टिस करो, जाके प्रैक्टिस करो, तीन से चार फॉर्म बनाओ, ठीक है, अगर आप बनाते हो तो अच्छा रहेगा। देखो कल हम क्या देखेंगे, ये देख रहे हो आप, ये चेकबॉक्स, ये मल्टीपल आते हैं इसके अंदर, और ये हो गए तेरे तुम्हारे रेडियो, और ये हो गए तुम्हारे चेक, कल हम इन तीन चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है। ये तीन चीज देख के नेक्स्ट हम बाद में ऐसे फॉर्म बनाएंगे। तो
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो और वीडियो काफी शेयर करनी। एंड दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है भाई, एक एडी सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो देखे जा रहे हो, मजे ले रहे हो, सब्सक्राइब आप कर नहीं रहे हो यार, कोई फायदा है इस चीज का? सब्सक्राइब करो भाई जाकर। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।